आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे सिंपल लूज प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो ये लूज प्लाजो आप अपनी पसंद की किसी भी डिज़ाइनर कुर्ती, सिंपल कुर्ती या फिर कोट सेट के साथ जो ट्राउज़र होता है वो आप इस तरह से बना सकते हैं। एंड इसके साथ मैंने ये रैप अराउंड डिज़ाइनर अंगरखा स्टाइल कुर्ती बनाई है। इसकी जो वीडियो है वो मैं अपने दूसरे चैनल ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर पोस्ट कर चुकी हूँ। सो कुर्ती का जो वीडियो है आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो गाइज, अब बात करते हैं इस प्लाजो की। तो जो प्लाजो बनाने के लिए मेजरमेंट की ज़रूरत होगी वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 38 इंच की लंबाई पर रेडी है, हिप इसका 40 है और जो इसकी कमर का साइज़ है वो 34 इंच है। एंड प्लाजो बनाने के लिए हमें कम से कम 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होगी, तो मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो देखिए, किनारे वाली साइड से जो इसकी लंबाई है ये हमने डबल कर रखा है, यानी 2 मीटर की तय है। और ये जो इसका अरज़ है वो 43 इंच है, तो बिल्कुल नॉर्मल अरज़ है, ज़्यादा अरज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी। 43 इंच में काफ़ी हैवी साइज़ के लिए प्लाजो बन जाता है, यानी जो इसका अरज़ है वो ठीक ही है। अब यहाँ से हम इसको डबल कर लेंगे, तो यहाँ डबल से इसकी जो लंबाई है वो 40 इंच है। इसके बाद हमने लंबाई में इसको फोर फोल्ड करना है। अब फोर फोल्ड कितना करना है, मेजरमेंट के हिसाब से करेंगे। जितना भी हमारा हिप की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी फोर्थ पार्ट करेंगे और उसमें 6 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का फोर्थ पार्ट हुआ 10 इंच और मैंने इसमें 6 इंच प्लस किया जो हो गया 16 इंच। हमारे कपड़े की जो लंबाई है वो 40 इंच है, प्लाजो की जो लंबाई है वो 38 इंच रखनी है, तो 2 इंच हमारा लगभग सिलाई में चला जाएगा, बेल्ट हम अलग से लगा देंगे। तो यहाँ से हम बेल्ट के लिए आधा इंच का मार्क करेंगे, जो हम बेल्ट अलग से लगा रहे हैं इलास्टिक वाली। अगर आपको फ्रंट कैनवास बेल्ट वाला प्लाजो चाहिए तो उसका वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर रखा है, जिसमें मैंने बैक में इलास्टिक डाली है और फ्रंट में कैनवास, तो उसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम हिप का फुट पार्ट मार्क करेंगे, तो मैंने 10 इंच मार्क किया है। इसके बाद आगे की तरफ हम 3 इंच और ऐड कर लेंगे। अगर आप 40 हिप से कम के लिए बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप बड़े साइज़ के लिए बना रहे हैं तो कम से कम 3 इंच तो आपको ऐड करना होगा। अब यहाँ से हमने जो हमने आधा इंच का मार्क किया है, यहाँ से 1 इंच ऊपर निकाल देंगे बेल्ट के लिए। इसके बाद हम 14 इंच पर मार्क करेंगे क्रॉच के लिए, यानी आसन के लिए हमने टोटल 14 इंच पर मार्क किया है। अब यहाँ से आगे की तरफ हमारा 3 इंच हमें मिल गया है। अगर आप 36 हिप के लिए बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच पर मार्क करें। अगर आप 40 हिप जितने भी अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ से क्रॉच की जो गहराई है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से गोलाई में मार्क करने के बाद अब हमने यहाँ से इसका हाफ़ कर लेना है, तो हाफ़ हो गया इसका 8 इंच। तो देखिए, यहाँ से हमने 8 इंच पर मार्क किया। अब जितना हमारा यहाँ पर आया है उतना ही हमने यहाँ मार्क करना है, तो मैंने 8 इंच पर मार्क कर लिया है नीचे की साइड में ये वाला मार्क। अब इस वाले मार्क से दोनों तरफ हम अपनी मोरी का हाफ हाफ मार्क करेंगे, यानी जितनी भी लूज़ या फिटेड आपको मोरी रखनी है उतना ही लेना है। जैसे मैं 10 इंच पर मोरी तैयार रखूँगी तो इस मार्क से दोनों तरफ मैं 5-5 इंच पर मार्क करूँगी। तो अब आप यहाँ देख लीजिए आपको मोरी की गोलाई कितनी रखनी है, यानी हाफ में, तो यहाँ से हमने उतना ही ले लेना है। तो मैंने 10 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हम लगभग आधा आधा इंच मार्क और ले लेंगे, जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। अब इन दोनों मार्क को हमने इंच टेप इस तरह से रखना है और मार्क को ऊपर ले जाकर मिला देना है। इसके बाद यहाँ से जो आसन के नीचे वाली गोलाई, इसको लगभग आधा इंच अंदर की तरफ और गहरा करके मार्क कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से देखिए, इसके सामने ये मार्क कर लेंगे और अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ से इंच टेप रख कर मिला देना है। सो जिन लोगों के पास लेग शेपर नहीं होता वो डायरेक्ट इस तरह से इंच टेप से भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर आकर हल्की सी गोलाई देनी है यहाँ। अब हमने अपने प्लाजो की लंबाई देखनी है, तो जो हमने आधा इंच का मार्क किया है यहाँ से हमने 1 इंच ऊपर निकाल दिया है। इसके बाद जितने भी हमें रेडी लेंथ चाहिए उतना हम मार्क कर लेंगे, और अगर आप बेल्ट चौड़ी बना रहे हैं तो उतना ही ऊपर एक्स्ट्रा निकाल दीजिए। जैसे मैंने 1 इंच निकाला है,
तो आप 2 इंच की इलास्टिक बना रहे हैं तो 2 इंच निकाल दीजिए, नीचे जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा वो हमारा फोल्ड में चला जाएगा इस तरह से। तो मेरे पास नीचे 2 इंच है फोल्ड के लिए। तो देखिए यहाँ से 38 इंच की लंबाई पर हमारा प्लाज़ो रेडी हो जाएगा। अगर आपकी इलास्टिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो उतना ही आपको ऊपर निकालना होगा और उसी के हिसाब से अपने प्लाज़ो की लेंथ लेनी होगी। अगर लेंथ में आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो नीचे फोल्ड में आप लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये बचा हुआ कपड़ा जो है इसमें से आप बेल्ट बना सकते हैं, तो मैं इसमें से बेल्ट बनाऊंगी और कुर्ती के लिए डिज़ाइनिंग करूंगी। इसके बाद देखिए ये जो ऊपर वाली 2 लेयर है ये हमारा फ्रंट का पार्ट बन जाएगा, क्योंकि हमने इसके यहाँ क्रॉस से नीचे की तरफ लगभग 1.5 इंच पर मार्क कर लेना है। और अब इस मार्क पर हमने इंच टेप पीछे की तरफ ऐसे करके तिरछा रखना है और यहाँ पर मार्क कर देना है। सो ये जो कटिंग है ये हमारी सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में आएगी, तो नीचे वाली जो हमने लेयर है वो हटा दी है। तो यहाँ पर हमने ये तिरछी कटिंग कर लेनी है। अब ये हो गया हमारा फ्रंट का पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा बैक का पार्ट होगा, जिसका जो क्रॉच है वो लंबा रह जाएगा। अब ऊपर वाली लेयर यानी फ्रंट वाली लेयर में हम इस साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे। सो जो शेप हमारी इस साइड में आई है उसी शेप के अकॉर्डिंग हमने ये मार्क नीचे तक करते जाना है। अच्छे से डार्क करके इस मार्क को मिला देंगे, इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से देखिए सिर्फ 2 लेयर यानी जो हमारे फ्रंट के 2 पार्ट हैं सिर्फ मैं उनकी ही कटिंग कर रही हूँ इस तरह से। तो फ्रंट में हमारे क्रॉच की लंबाई भी कम होती है और जो साइड के पैनल होते हैं उनकी चौड़ाई भी कम होती है। अब इनकी स्टिचिंग करनी है, तो 2 पार्ट ये फ्रंट वाले अलग रखेंगे, बैक वाले अलग। इसके बाद हमने इनके क्रॉच कैसे सिलने हैं, दोनों की जो राइट साइड है यानी सीधी तरफ वो अंदर कर लेंगे इस तरह से। क्रॉच के साइड से बराबर मिला कर रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर ये जो हमारे क्रॉच हैं ये सिल जाएंगे। इसी तरह से हम अपना फ्रंट वाला पार्ट भी रखेंगे क्रॉच से क्रॉच मिलाते हुए और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों क्रॉच को सिल लिया है, ये हमारा बैक वाला पार्ट है और इसी तरह से ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है इसके क्रॉच भी हमने सिल लिए हैं। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे यानी सीधी तरफ इनकी जो रहेगी वो अंदर रहेगी। इसके बाद हमने इसकी ये वाली साइड को सिल देना है 1/2 इंच का दबाव लेकर। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसकी बेल्ट लगा लेनी है, तो बेल्ट आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, मैं एक ही पट्टी के साथ पूरी बेल्ट लगा दूँगी। तो यहाँ पर आप हाफ हाफ में भी 2 बेल्ट ले सकते हैं या फिर मेरे जैसे 1 पट्टी भी ले सकते हैं। इस पट्टी की चौड़ाई हमने लगभग 3.5 इंच के अराउंड ले ली है, ये देखिए। और इस तरह से जो लंबाई है वो हमारे प्लाज़ो की कमर की जितनी भी गोलाई है इसके बराबर ही रहेगी। अब यहाँ से ये पट्टी पूरी लेंथ में है, तो यहाँ से हम इसको उल्टी तरफ रखते हुए 1/2 इंच का दबाव लेकर सिलेंगे इस तरह से। सिलने के बाद हमने इसको देखिए इस तरह से दूसरी साइड में भी सिलाई लगा ली थी यहाँ से। अब हमने इसकी बेल्ट में इलास्टिक लगानी है, तो ये फुल इलास्टिकेटेड प्लाज़ो है, तो उसके लिए हम अपनी कमर का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारी कमर की गोलाई होगी उसमें से हम 4 इंच माइनस कर लेंगे और जो बचेगा हम इलास्टिक की लेंथ ले लेंगे। जैसे मैं 34 कमर के लिए बना रही हूँ तो मैंने 30 इंच की लंबाई पर इलास्टिक ली है 4 इंच कम करते हुए। इसके बाद दोनों सिरों को सिल देंगे और इस तरह से नेफे में ये इलास्टिक को इंसर्ट कर देंगे, किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए हमने इलास्टिक को बचाते हुए रखना है और किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है पूरे नेफे पर। तो नेफे में हमने देखिए ये सिलाई भी लगा ली है और सेंटर में एक सिलाई कर ली थी सारी जो गैदर्स हैं वो इक्वल करके। अब हमारी इलास्टिक नेफे की तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होगी। इसके बाद जो इसका बॉटम था 2 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा था वो मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और सिलाई लगा दी है यहाँ से। अब हमने इसके ये साइड से बराबर मिलाकर रखना है और इनर लेग में फिटिंग लगा देनी है। तो फिटिंग लगाने के लिए लगभग मैं 1/4 इंच का दबाव लूँगी और जो हमारी मोरी है वो 10 इंच के अराउंड रेडी हो जाएगी। तो लीजिए इसी सिलाई के साथ हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। अब इस पर आयरन करने के लिए ये हमारी जो सिलाई वाले पार्ट है एक दूसरे के सामने रखेंगे और यहाँ से जो हमने सेंटर का मार्क किया था इसको पकड़ते हुए यहाँ पर बस अब हमने आयरन कर लेना है इस तरह से। सो ये आयरन होने के बाद अच्छे से सेट हो जाएगा। सभी सिलाई के ऊपर हमने आयरन को अच्छी तरह से कर लेना है।
यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ। देखिए फ्रंट का जो हमारा क्रॉच है वो छोटा रहेगा, तो वही चीज़ हमने फ्रंट में करके पहननी है ताकि जो हमारा प्लाज़ो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे। सो अब आप देख सकते हैं फ्रंट का जो क्रॉच है यहाँ से हमारा एक इंच कम है और ये बैक वाला एक इंच एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा है वो बैक में जाएगा। इसके बाद प्लाज़ो की जो रेडी लेंथ है वो हमने 38 इंच पर देखिए तैयार की है। आप इसकी लंबाई 40 इंच तक तैयार कर सकते हैं 2 मीटर में, बस आपको फोल्ड करने के लिए नीचे बॉटम में एक्स्ट्रा लेना होगा। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ या आपको अच्छे से समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। एंड अगर आप इस कुर्ती की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहाँ एंड स्क्रीन पर लगा रही हूँ, तो इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।